मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब दर्जनों औरतें और आदमी सड़क पर उतर आए और अपने रास्ते की मांग को लेकर प्रशासन विरोधी नारे लगाए। वहीं कुछ दबंग लोगों के कार्यकर्ताओं ने महिलाओं के साथ भी छेड़खानी की, जिसमें महिलाओं ने उनसे मारपीट कर डाली। किसी तरह मैदान से जान बचाकर छेड़खानी करता हुआ युवक भागने में कामयाब हो गया। वहीं जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह रास्ता उनकी कॉलोनी के लिए सार्वजनिक रास्ता है, लेकिन कुछ दबंग लोग इस रास्ते को बंद किए जा रहे हैं, जिससे उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर प्रशासन को भी अवगत कराया जा चुका है। इसको लेकर प्रशासन व डीएम साहब को भी अवगत करा चुके हैं और वहां से एसडीएम साहब ने आदेश पारित किए, लेकिन दबंग किस्म के लोग एसडीएम के आदेश की अवहेलना करते हुए जबरदस्ती से रास्ते में अपनी दीवार लगा रहे हैं। अतः उनकी सरकार और प्रशासन से यही मांग है कि उनकी कॉलोनी के लिए पर्याप्त रास्ता दिलवाने की कृपा करें। अगर रास्ता नहीं मिला तो वह नेशनल हाईवे 2 को जाम करेंगे और अपने हक के लिए एक बड़ा आंदोलन करेंगे। यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे 40 फुट रास्ता मिलना चाहिए। ये तो जनहित के लिए, एक व्यक्ति के लिए नहीं है, जो इसकी कॉलोनी काट रहा है वो चाह रहा है कि हम यहाँ से रोड लगाएं। 12 फुट बाउंड्री लगाने के लिए बोल रहा है। तो हम सब लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे 40 फुट का रास्ता होना चाहिए, जो कि हमारी कॉलोनी के लिए और बाकी के जो भी कोई लोग निकलते हैं उनके लिए भी, सबके लिए लाभदायक है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे 40 फुट होना चाहिए। अच्छा, ये हमारी वो है। वैसे कितना फुट है यहाँ आपके लिए? 13 फुट है। आकाश इंक्लेव कॉलोनी है, ये NH2 से हमारी कॉलोनी के लिए मुख्य मार्ग है जाने का। इसमें रास्ते पर कम से कम 15 कॉलोनी पड़ती हैं। दोनों तरफ के लोगों ने इसका अतिक्रमण कर रखा है। इंट्री पर 13 फुट छोड़ रखा है और पीछे 18 फुट है, जबकि हमारे नक्शे में ये 30 फुट है। और जो इनके कागज हैं उनकी चौड़ाई है वो 124 फुट है, और जबकि इन्होंने रास्ता अतिक्रमण कर रखा है 130 फुट, जो इनकी जगह से करीबन 6 फुट ज़्यादा है। और हमारे पास SDM साहब का आदेश भी है, उसको भी दरकिनार करते हुए ये लोग और आज बाउंड्री वाल लगा रहे हैं। हमें कोई झगड़ा नहीं चाहिए, हमें शांति से सिर्फ रास्ता चाहिए। जब हमारी कॉलोनी के लिए जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, इस रास्ते से हम लोग जाते आते हैं। ग्रामीण लोग हैं और दोनों तरफ के लोग पैसे के बल पर रास्ते का अतिक्रमण कर रहे हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमें रास्ता मिल जाए 30 फुट, जबकि MBD की ओर से 40 फुट होता है। इनको खुद को भी 40 फुट चाहिए, लेकिन ये लोग पैसे के बल पर इसका अतिक्रमण करके और 18 फुट और 13 फुट छोड़ रहे हैं। एंट्री पर 13 और लास्ट में 18 फुट छोड़ रहे हैं। क्या कहना है इनके जो अतिक्रमण कर रहे हैं? इन लोगों का एक तो गोयल साहब है, अग्रवाली जी हैं, एक विमल अग्रवाल जी हैं और इधर वाले पन्नी फैक्ट्री वाले हैं, सुशीला नर्सिंग होम वाले एक तरफ, और ये तीनों लोगों ने इसका अतिक्रमण कर रखा है। यहाँ पर तब पहले कोई रहता नहीं था, इन्होंने अपनी मर्जी से यहाँ पर बाउंड्री लगा लिया है। अब यहाँ पर लोग आ गए हैं, 15 कॉलोनी बस गई है, सबको रास्ता चाहिए। क्या आपने पुलिस प्रशासन को अवगत कराया? जी, ये SDM साहब का आदेश है, SHO साहब को हमने इसको रिसीव करा दिया है, हाईवे थाने वाले को, DM साहब को दिया है, मेयर साहब को भी हमने दे दिया है एप्लीकेशन, MBD में भी दे दिया है। अभी तक कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और मेयर साहब को मैंने अभी अभी फोन भी किया है, कैसा है यहाँ पर तनाव है, स्थिति नियंत्रण में नहीं हो पा रही, हम लोगों को कंट्रोल भी कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए।